पार्किंग के तौर पर लोग यूज करते हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर बाहर से आने वाले यात्री हों, ये लगातार यहाँ पर इस तरह से पार्किंग की जाती है। और यही एक छोटा सा लालच लोगों का कि पार्किंग के पैसे ना देने पड़े और उन पैसों को बचाने के लिए लोग यहाँ पर पार करते हैं, तो उसके बाद उस छोटे से लालच की जो कीमत उन्हें आज चुकानी पड़ी है वो अपने आप में बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है, बरसाती नदी में जिस तरह से पानी आया है, वो अपने आप में चौंकाने वाला और डराने वाला विषय है। तो हालांकि अब जो स्थानीय पुलिस है लगातार ये कोशिश कर रही है कि गंगा से जिस तरह से गाड़ियां बही हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि वहां पर अच्छी पौड़ी का जो गंगाघाट है वहां से गाड़ियां बहती हुई जा रही हैं, और यही एक सबसे बड़ा कौतूहल का विषय लोगों में भी है, चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों को डराने वाला विषय है, क्योंकि शायद ये पहली बार है कि इस तरह से गाड़ियां बहती हुई गंगा में दिखाई दे रही है और लोगों को डरा भी रही है। हालांकि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पुलिस प्रशासन जरूर यहाँ पर सतर्क है और गंगा घाटों पर किसी तरह की दूसरी घटना ना हो उसको लेकर भी यहाँ सतर्क है। जल पुलिस को लगाया गया है कि इन गाड़ियों को किसी न किसी तरह से बाहर निकाला जाए, लेकिन जल पुलिस फिलहाल एक तरह से असमर्थ दिखाई दे रही है। गंगा का इस समय बहाव बहुत तेज है और पानी भी पूरी तरह से मिट्टी वाला पानी है, तो इस समय बहुत मुश्किलों का सामना यहाँ पर जल पुलिस को करना पड़ता है। फिलहाल इंतजार यही किया जा रहा है कि कैसे न कैसे गाड़ियां या तो अपने साइड हो तो तब जाके थोड़ा सा स्थिति शांत होगी। महावीर, अब इस घटना के बाद तस्वीर को देखकर तो समझ में आता है कि कितने खतरनाक हालात हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले से ही जारी था, आसपास क्या रिहायशी इलाके भी हैं? मेरी आवाज मिल रही है महावीर आपको? जी, अपना सवाल दोहराएं। महावीर, इस तस्वीर को देखने के बाद ये साफ समझ में आता है कि हालात बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? और साथ ही क्योंकि देखिए गंगा में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, बहाव तेज है, तो आसपास के रिहायशी इलाके भी हैं? देखिए, अगर को देखते हुए उसके बाद अगर प्रशासनिक स्तर की बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर केवल यहाँ पर अलर्ट पहले से ही जारी है, इसके अलावा तो गंगा के आसपास के घाट है जहाँ लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर किसी तरह की दूसरी घटना ना हो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस तैनाती की जा रही है। इसके अलावा अगर रिहायशी इलाकों की बात करें, क्योंकि जो खड़खड़ी जहाँ पर यह घटना हुई है वहाँ से लेकर हरकी पौड़ी तक दोनों तरफ रिहायशी इलाका है, ज्यादा राइट साइड की तरफ ज्यादा रिहायशी इलाका है। हालांकि जो क्षेत्र है वो अभी गंगा घाट से नीचे ही है, क्योंकि जो हरकी पौड़ी के घाट है वहाँ पर निचले स्तर पर ही गंगा इस समय बह रही है। लेकिन ये जो पूरी घटना हुई है वो बरसाती नदी के तेज बहाव के चलते हुई है, क्योंकि जिस तरह से हम एक चित्र में देख पा रहे हैं कि पहाड़ों से ऊपर से जो बरसाती नदी जिस तरह से आई है तो उसी में ये पूरा पांडव इस तरह से यहाँ पर मचाया है। और इस बात की उम्मीद भी नहीं कि मैं किसी को आशंका थी कि इस तरह की स्थिति होगी। हालांकि बरसात को लेकर अलर्ट जरूर जारी है, तापमान चोटों को अलर्ट किया गया है, लेकिन ये बात पहली बार है कि बरसाती नदी ने अपना एक तरह से दिखाया है और इसके कारण ये घटना यहाँ पर हुई है। महावीर, जब पहले से ही प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरतने के यहाँ पर निर्देश दे दिए गए थे, तो उसके बावजूद इस तरह के जो हालात हुए हैं, ये पार्किंग जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अवैध है, तो यहाँ पर पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की गई थी? देखिए, अगर अवैध पार्किंग की बात करें तो शायद ये हमारी एक मानसिकता है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं पार्किंग की होती है और पार्किंग में हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा बचाने के लालच में अवैध जगह पे उल्टी के लिए कहीं को गलत जगह हम लोग पार करते हैं। हालांकि उसका खामियाजा कई बार इस तरह की घटनाओं के तौर पर भी उठाना पड़ता है। और लगातार वहां पर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड पुलिस के वहां पर लगातार दौड़ रहे हैं, वहां पर लगातार इस बात की तस्दीक की जाती है कि यहाँ पर किसी भी तरह की पार्किंग ना की जाए, क्योंकि बरसाती नदी है खासकर मानसून सीजन में। लेकिन शायद ये माननीय एक तरह से हम कह सकते हैं कि फीलिंग है या फिर एक आदत है कि थोड़े से लालच की कली है हम लोग इस तरह के काम करते हैं और दूसरा काम है जो इस तरह से हमें उठाना पड़ता है। हालांकि अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि इन गाड़ियों को किस तरह से गंगा से बाहर निकाला जाए, ताकि ये इन गाड़ियों के चलते जो एक चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया महावीर आपका तमाम जानकारी के लिए।
है।